हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। एक नंबर अपडेट आ रही है भाई लोग, BHEL की तरफ से यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बोले तो इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट गेट के बिना हो रहा है, विदाउट गेट ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। दिल खुश हो गया भाई, मतलब मौका है आपके लिए। अगर गेट अच्छे से नहीं हो पाया है तो भी एक मौका है BHEL जैसे PSU में नौकरी लगाने का, क्योंकि भैया सैलरी यहाँ पे वो गेट के लेवल की 60,000 रुपीज पर मंथ, मतलब CTC आपको 12 लाख रुपए एनुअली ये मिल जाने वाला है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैं आपको हर चीज बताता हूँ, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह हमको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, हर एक चीज, हर एक डिटेल। आप आखिरी तक बस बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 3000 लाइक्स का, एक नंबर अपडेट है इसलिए 3000 लाइक्स का लाइक एम है, थोड़ा मुश्किल है। अगर आप शेयर कर देंगे ना तो ये लाइक एम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फाइनल ईयर वाले हैं, ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दीजिए। तो जैसे मैंने बताया बेहतरीन अपडेट आ रही है भाई लोग, BHEL की तरफ से खुशखबरी है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाली अपडेट है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी बोले तो इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है विदाउट गेट, गेट के साथ नहीं हो रहा है रिक्रूटमेंट, लेकिन सैलरी वही है भाई गेट वाली, यानी कि 60,000 रुपीज पर मंथ। इसके अलावा 12 लाख CTC है, यह अलग से एग्जाम होगा जो आप दे सकते हैं। अगर गेट इस बार अच्छे से नहीं गया है तो एक और मौका आपके लिए PSU में नौकरी लगाने का। तो यहाँ पे जो इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट निकली हो इसके लिए BE/BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन में इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है, जैसे मैकेनिकल जो डिसिप्लिन है इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल के रिलेटेड ब्रांचेस एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांचेस एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट वाइज बता देता हूँ कि किस डिसिप्लिन में क्या पोस्ट है और उसके बाद में आपको ब्रांचेस और दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो भाई एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेक्निकल में, HR में, फाइनेंस में यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर 17 पोस्ट है, EWS में 4 है, OBC में 10 है, SC में 6 है, ST में 3 है, तो टोटल 40 है। इलेक्ट्रिकल में 13 पोस्ट है, EWS में 3 है, OBC में 7 है, SC में 4 है, टोटल 30 हो रहा है। सिविल में जनरल में 9 है, 2 EWS में है, 5 OBC में है, 3 SC में है, 1 ST में है, 20 पोस्ट है। केमिकल में 4 जनरल में है, 1 EWS में है, 2 OBC में है, 2 SC में है, 1 ST में है, टोटल 20 पोस्ट है। फाइनेंस में 10 जनरल में है, 2 EWS में है, 2 OBC में है, 4 SC में है, 2 ST में है, तो कुल मिलाकर 25 पोस्ट, टोटल पोस्ट हो गई 145, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 52। इसमें जो डिसिप्लिन है जैसे मैकेनिकल, इसके अंदर और भी ब्रांचेस एलिजिबल है। मैकेनिकल के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन वाले, इंडस्ट्रियल वाले, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल वाले, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाले, मैकाट्रॉनिक्स वाले, मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसेस वाले, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, पावर टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल में केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब ब्रांचेस से अगर आपने BE/BTECH किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 27 साल रखी गई है, एज ऑन 1/4/2019 तक आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/4/1992 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 29 साल एज लिमिट उनके लिए रखी गई है, दो साल का फुल टाइम PG किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए 29 एज लिमिट रखी गई है। जैसा मैंने बताया फाइनल ईयर के स्टूडेंट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी डिग्री खत्म हो जानी चाहिए, मतलब आपके हाथ में आ जानी चाहिए 1 जुलाई 2019 तक, या फिर इंटरव्यू के डेट तक आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया जो टेक्निकल में पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल में। HR में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें आप BE/BTECH किए हुए हैं 60% के साथ, प्लस PG डिग्री या फिर डिप्लोमा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशल वर्क में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विथ स्पेशलाइजेशन है पर्सनल मैनेजमेंट में, लेबर वेलफेयर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, 55% के साथ पास आउट हैं आप, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट
29 ईयर्स रखी गई है, 1/4/1990 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ईटी फाइनेंस के बारे में बात करें तो उसमें बीई बीटेक प्लस क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 29 ईयर्स रखी गई है, 1/4/1990 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट तभी अप्लाई कीजिएगा जब इंटरव्यू तक आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पहले रिटर्न होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। रिटर्न बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे होने का, इसके बारे में अभी डिटेल्स वगैरह सिलेबस वगैरह हमको बताया नहीं गया है, जैसी वेबसाइट पर अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 75% वेटेज एग्जाम के स्कोर पे दिया जा रहा है, जबकि सिर्फ 25% वेटेज इंटरव्यू में है। यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बहुत अच्छे से निकालना है, इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ट्रेनिंग यहाँ पे 1 साल की होगी, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको इंजीनियर की पद तो दिया जाएगा लेकिन ट्रेनिंग में आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा जो कि आपका बेसिक सैलरी होगी। ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 1 साल में, इसके बाद आपकी परमानेंट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, E1 ग्रेड में आपकी नौकरी लग जाएगी, इंजीनियर हो जाएंगे आप, आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000 रुपीज पर मंथ। आप ये भी बोल सकते हैं कि CTC हो जाएगा आपका 12.1 लाख पर NM प्लस TA DA HRA और अदर तरीके के जितने भी पर्क्स वगैरह हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। फॉर्म भरने की फीस यहाँ पे 500 रुपीज प्लस 300 रुपीज प्लस GST रखी गई है जनरल OBC वालों के लिए, जबकि SC ST वालों के लिए 300 रुपीज प्लस GST फॉर्म भरने की फीस रखी गई है। इसके अलावा एग्जाम के सेंटर के बारे में भी हमको डिटेल्स नहीं दी गई हैं, बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है आखिरी में कि आप 5 चॉइस कर पाएंगे, 5 ठोक सेंटर चुन पाएंगे या 5 चॉइस कर पाएंगे, तो उम्मीद है कि आपके स्टेट में आपको एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा। यह फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से और लास्ट डेट 6 मई 2019 रखी गई है। टेंटेटिव डेट एग्जाम की 25 और 26 मई 2019 दे दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, FAQs और अदर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, अदर डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको सब चीज मिल जाएगी। इसके अलावा लिंक मैं सबकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पे आप क्लिक करके हर चीज चेक कर सकते हैं, हर तरीके की एलिजिबिलिटी, मेडिकल एलिजिबिलिटी हो या फिर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह सब चीज देख सकते हैं, FAQs वगैरह सब चीज देख सकते हैं। तो नीचे दी गई जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके क्लिक करें और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स पर। आपको कैसी लगी ये वीडियो लाइक करना, शेयर जरूर करना भाई, बेहतरीन है यार, मौका बेहतरीन है, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं आपके साथ आके शेयर कर ही रहा हूँ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग भाई लोग, जय जवान जय किसान।